भूत दो मानों में इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, एक तो शैतान के माने में होता है, तो उससे इनकार नहीं है। अगर शैतान को भूत कहते हैं तो शैतान का जिक्र कुरान में है, अहादीस में है। लेकिन एक दूसरा इस्तेमाल है जो बिल्कुल गलत है, वो क्या कि जो लोग मर गए उनकी रूहें आती हैं वो भूत है। सही। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इसके बारे में कहते हैं कि वो उसकी रूह भटकती रहती है, वक्त से पहले मर गया तो उसकी रूह भटकती है, आत्मा जिसको बोलते हैं, आत्मा, आत्मा ये आत्माएं हैं, तो इनको भी भूत कहा जाता है। तो ये हकीकत नहीं है, हम इसको नहीं मानते, सही। इस माने में भूत को हम नहीं मानते। हम नहीं मानते कि मरने के बाद कोई रूह वापस आती है। सुनन तिरमिज़ी की बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने जाबिर रज़ियल्लाहु के वालिद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु की शहादत हुई तो जाबिर रज़ियल्लाहु परेशान थे, तो उनको तसल्ली देने के लिए कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा से अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह तआला ने कहा कि अब्दुल्ला जो मांगो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि फिर शहीद हूँ और जो है ये मकाम पाऊँ। तो अल्लाह ताला ने कहा सबक़ मिन्नी अन्नहुम इलैहा ला यरजू, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा फ़ैसला हो चुका है कि जो यहाँ आया वहाँ नहीं जा सकता, तो ये रूहें आ नहीं सकती हैं। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।